में समस्या है, विघ्न दूर हो जाएगा, सूजन बन रही है, सूजन बन रही है, फूल रहा है, आंतों में दिक्कत बताई है डॉक्टर ने, लीवर में दिक्कत बताई है, लीवर का इन्फेक्शन तो बहुत कम है, आंतों का ज्यादा है, जाओ भगवान बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आशु बागेश्वर धाम सरकार की, सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। पढ़ेंगे और दर्द इसका ठीक होगा, ये मंत्र है, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा दोनों चल लेंगे। बागेश्वर धाम आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां देखो वहां बागेश्वर धाम की गूंज है। आपने बड़े बड़े लोगों को बागेश्वर धाम जाते देखा होगा। ऐश्वर्या राय भी अपनी माँ और बेटी के साथ बागेश्वर धाम पहुंची थी। यहाँ ऐश्वर्या ने आराध्या की बीमारी के लिए पूछने आई थी और यहाँ ऐश्वर्या राय अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन के फ्यूचर को लेकर काफी परेशान थी। अभिषेक बच्चन को काफी टाइम से काम नहीं मिला। ऐश्वर्या राय यहाँ पर अभिषेक बच्चन की सक्सेस कब मिलेगी ये पता करने आई थी। गुरुदेव ने बताया कि अभिषेक के लिए 2024 से लेकर 2040 तक गोल्डन पीरियड है, वो अच्छा काम करेंगे। गुरुदेव ने कहा कि हर 3 माह में बालाजी के दर्शन अपने पति के साथ करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। ऐश्वर्या राय ने आराध्या के फ्यूचर पे भी बात की। गुरुदेव से पूछा कि यह अपने लाइफ में क्या करेगी। गुरुदेव ने कहा कि यह बड़ी होकर एक्ट्रेस नहीं बिजनेस वुमेन बनेगी, एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बनकर सामने आएगी। कमेंट में बागेश्वर धाम लिखना ना भूले। धन्यवाद।